भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 45 वर्षीय पुजारी धर्मानंद बाबा ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शुक्रवार को पुजारी बच्ची को बहला फुसला कर अपने कमरे में ले गया और इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद महिला थाना अध्यक्ष किरण सोनी के नेतृत्व में आरोपी बाबा की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। वहीं पुलिस ने देर रात आरोपी बाबा को मुंगेर के असरगंज स्थित एक आश्रम से दबोच लिया है। पुलिस को दिए बयान में आरोपी बाबा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। शनिवार को मेडिकल जाँच के बाद आरोपी बाबा को पुलिस ने जेल भेज दिया। वहीं पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि पुजारी धर्मानंद करीब 10 वर्षों से गांव के आश्रम में पुजारी का काम कर रहा था। शुक्रवार को उसकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी वह उसे बाला फुसला कर अपने आश्रम बुलाकर ले गया, जहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इधर महिला थाना अध्यक्ष किरण सोनी ने आरोपी धर्मानंद के खिलाफ धारा 376 और पोक्सो की धारा 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि आरोपी जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बादे गांव का रहने वाला है। क्या कल मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है। इस संबंध में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अक्यूज्ड है, जिनका नाम धर्मानंद है, जो कि असरगंज मुंगेर के रहने वाला है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ साथ बच्ची का मेडिकल टेस्ट और 164 का बयान कोर्ट में कराया जा रहा है और अक्यूज्ड को माननीय न्यायालय में प्रसारित किया जा रहा है। पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए ये सारी कार्य किया है और इसमें अन्य जो इसमें तकनीकी अनुसंधान है वो भी किया जा रहा है। FSL के टीम से साथ में इसमें सारे किए जा रहे हैं। कौन से धारा में मामला दर्ज हुआ है? ये मामला जो पॉक्सो और जो दुष्कर्म का मामला जो बच्चे के साथ होता है, जो कि बहुत ही गंभीर अपराध है, समाज में घृणित अपराध इसको माना जाता है, इस धारा में हम लोगों ने इस केस को दर्ज किया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। और इसके मैं एक ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें हमारी यह कोशिश रहेगी, एक सप्ताह के अंदर हम लोग इसको चार्जशीट कर देंगे और जल्द से जल्द इसको स्पीडी ट्रायल कराते हुए ये दोषी है, इसने इतने घृणित कार्य किया है, इसको सजा दिलाई जाएगी। कहाँ से गिरफ्तार? शनिवार को भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र के बियाडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थित रुई की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में मशीन सहित लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना को लेकर फैक्ट्री संचालक विनोद केजरीवाल ने बताया कि वे पिछले 10 सालों से इस फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना उन्हें फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस हादसे में उन्हें करीब 2 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं आग लगने के कारणों का कुछ स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। मजदूरों का कहना है कि वे लोग फैक्ट्री में रुई बनाने का काम कर रहे थे, इसी दौरान अचानक मशीन से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते फैक्ट्री में आग की लपटें फैल गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग तो जो लगी हमको जानकारी नहीं है, हम तो घर पे थे, हमको फोन गया कि आग लग गई है तो मैं आया हूँ। फायर ब्रिगेड पहले फोन किया, फायर ब्रिगेड सहायता की और सहायता करके उन्होंने आग बुझाने में पूरा मदद की। कितने का नुकसान हुआ बच्चा? लगभग 1-2 लाख का नुकसान होगा। क्या क्या कुछ जला है? मशीन घर में मशीन जली है, थोड़ा बहुत माल जला। अच्छा, क्या चीज का ये फैक्ट्री? रुई फैक्ट्री है। रुई फैक्ट्री लगभग कितने दिनों से संचालित कर रहे हैं? ये तो हम करीब 14-15 साल हो गया, 2009 से कर रहे हैं। भागलपुरी साक्षक थाना क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी के समीप शनिवार की सुबह बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक की पहचान महेंद्र शाह के 32 वर्षीय पुत्र मिथिलेश कुमार उर्फ मोती शाह के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर घायल के पिता ने बताया कि घर के पास वाली गली में
मिथिलेश अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था, उसी दौरान उसे गोली मार दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और इसाकचक थाना प्रभारी उत्तम कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने घायल के परिजनों से पूछताछ की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। डीएसपी ने कहा कि फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुबह 8 बजे के करीब एक व्यक्ति मोती साह, वो कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और इसमें जख्मी व्यक्ति को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। साथ साथ एफएसएल की टीम भी मौके का निरीक्षण किए हैं। डीएसपी सिटी और अन्य टीम पुलिस डीआईयू के द्वारा अज्ञात अपराधी कर्मियों की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और गिरफ्तारी के जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। भागलपुर हबीपुर थाना क्षेत्र के सदरुद्दीन चक में लहूलुहान स्थिति में 3 बच्चों की मां का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच 60,000 रुपये के लेन देन को लेकर हुए विवाद में ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और हबीबपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि महिला ने 60,000 रुपये ससुराल वाले को दिए थे, जो चोरी हो गए। महिला ने चोरी का आरोप अपने पति मोहम्मद इरशाद पर लगाया था। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। हत्या के बाद आरोपी पति घर छोड़कर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ इसमें कि एक महिला को उनके पति के द्वारा सर पर मारकर हत्या कर दिया गया है। इस संबंध में उनके बच्चों का ही बयान लिया गया है। बच्चों ने इस बात की पुष्टि की है और वो पति घर से भी फरार है। पुलिस पोस्टमार्टम कराई जा रही है। सबका स्थिति सामान्य है और जो इसमें अपराधी हैं पति है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पति पत्नी का विवाद था, जो बच्चों द्वारा बताया गया है कि पूर्व का विवाद था और गुस्से में आवेश में आके जो है उनके द्वारा ये घृणित कार्य किया गया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर सबौर प्रखंड की एक पंचायत की मुखिया के साथ 9 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके पति को भी ससुराल वालों ने गायब कर दिया है। इस घटना के बाद पीड़िता ने 7 लोगों के खिलाफ सबौर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता ने अपने आवेदन में कहा कि वह अनुसूचित जाति से है और पिछले साल मई माह में अपने मायके गई थी। इसी दौरान उसका पति गायब हो गया। जब वह ससुराल पहुंची और अपने पति के बारे में पूछा तो ससुराल वालों ने उसे जाति सूचक गालियां देते हुए घर से बाहर भगा दिया और कहा कि अब उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। पीड़िता ने बताया कि पिछले 9 महीने से शिवम, अभिषेक और चंदन नाम के आरोपी उसे बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते रहे, जिसके बाद वह किसी तरह जान बचाकर अपने मायके पहुंची तो वहां भी उसे धमकियां मिल रही है। महिला ने बताया कि आरोपियों ने उसका आधार कार्ड, मुखिया प्रमाण पत्र, हथियार का लाइसेंस, चेकबुक और ATM कार्ड जब्त कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके पेंशन के 95,000 रुपये भी निकाल लिए हैं। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसके हस्ताक्षर किए गए चेकबुक का इस्तेमाल कर पंचायत के 20 योजनाओं के नाम पर बैंक से पैसे निकाल लिए और उसका दुरुपयोग किया। वहीं इस मामले में सबौर थाना अध्यक्ष ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे साथ सास ससुर ने मारपीट किया है
घर से निकाला दिया है। क्या कारण रहा घर से निकालने का? घर से मेरा पति को निपटा कर दिया है, साल भर हो गया है। मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, मेरे साथ बहुत रंग का बात हुआ है। कौन क्या क्या किया है आपके साथ? ससुर सब ने मिल के किया है, घर से मार पीट सब किया है। शिवम कुमार राज, अभिषेक कुमार, चंदन कुमार, संजना कुमारी, आशा देवी मेरे साथ। आप अपने देवर पर भी रेप का आरोप लगाई है, क्या कहाँ तक सही है? 2-3 महीने के बाद मेरा निपटा होने का पति को रेप करने का कोशिश किया, बहुत रंग का बात। 12 बजे रात को जब नहीं करने देते थे, वो गेट खोल के मारने पीटने का धमकी दे दिया। कौन कौन से निकाल दिया? मेरा चंदन कुमार देवर है, प्रयास किया बहुत करे। कहाँ गई थी इसको शिकायत लेकर? कहीं नहीं गए, मेरा परिवार था, हम सोचे कि सब चीज हो जाएगा, लेकिन वो अब तक से गिर चुका। पति की वापसी नहीं हुई अभी तक? सबौर में एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि एक महिला के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जिस वो घर में रहती थी और उस घर के लोगों के द्वारा जो उनके साथ शारीरिक शोषण और अन्य गलत काम किए गए थे। इस संबंध में आवेदन प्राप्त किया गया है, FIR दर्ज कर लिया गया है और इसकी सत्यता की जाँच के लिए और गंभीर तरीके से जाँच के लिए एक SIT का गठन किया गया है, जो कि DIU और SHO सबौर के नेतृत्व में किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम की वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसके उपरांत हम लोग इसमें जो भी अपराधकर्मी शामिल होंगे उनको। शनिवार को भागलपुर जिले के रसलपुर थाना क्षेत्र के मिरगट्टी गांव के पास एक बाइक और टाटा 407 वाहन की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान सनोखर गांव निवासी 50 वर्षीय शंकर शाह के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक उसका पुत्र बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों पिता पुत्र किसी काम से कहलगांव जा रहे थे, इसी दौरान महागामा की ओर से आ रही तेज रफ्तार टाटा 407 ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया और पीछे बैठे शंकर शाह टाटा 407 के पिछले चक्के के नीचे आ गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल युवक को ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टाटा 407 वाहन को जब्त कर खलासी और चालक को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को सुल्तानगंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन और CO रवि कुमार के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जमीन विवाद से संबंधित दर्जनों मामले का निष्पादन किया गया। CO रवि कुमार ने बताया कि जनता दरबार में 16 पुराने और 5 नए मामले पहुंचे थे, जिसमें से 8 का निपटारा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शेष मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास किया जाएगा।